नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी में वेलकम है। सो आज हम सेकेंड यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि फर्स्ट ईयर की है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था जर्नल इंट्रोडक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्ड हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। फिफ्थ हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास एक वैल्यू आई थी, वो थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। वो क्या थी, के इज इक्वल टू एल, एल की पावर राइज टू पावर एल, एम राइज टू पावर एम बाय में ए राइज टू पावर ए इंटू बी राइज टू पावर बी। ठीक है गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखें, फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने स्टडी किया, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मोलर कंसंट्रेशन के केस में, किसके केस में, मोलर कंसंट्रेशन के केस में, तो वो किससे शो करते हैं, जो जर्नल इक्विलिब्रियम हम फ्रेंड्स शो करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमने केस से शो किया था। ठीक है, फॉर अ जर्नल रिएक्शन। लेकिन अगर हम केस लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन का, क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन का अगर हम केस लेते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, उसके केस में हम जो केस से शो करेंगे वो करेंगे केसी से। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होगा, केसी से शो करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, कोई भी हम जर्नल इक्वेशन कंसीडर की, ए ए प्लस बी बी, रिवर्सिबल रिएक्शन हमने कंसीडर की एल एल प्लस एम एम। ओके गाइस, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, दोबारा से नहीं करेंगे। तो जर्नल जो हमारे पास आया था वो था, देखो केसी से कर रहे हैं हम मोलर कंसंट्रेशन के केस में, तो केसी के केस में क्या हो जाएगा, एल एल एम एम बाय में ए ए इंटू बी बी। ठीक है गाइस, ये हमारे पास क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन के केस में। इसको एक वे से और कंसेप्ट शो कर सकते हैं हम, देखो सी कंसेंट्रेशन के लिए हम सी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल एल है वो नीचे पैर में रखेंगे, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, एल। ठीक है, इनटू में सी एम एम बाय सी ए ए सी बी बी। ठीक है, इस टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये आ गया। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के केस में क्या वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, जो यूनिट होगी वो होगी हमारे पास मोल पर लीटर। ठीक है, समझ आ गया। सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, देखो जो हम पावर्स हैं, ये पावर्स ऊपर पावर है तो एल प्लस एम हो जाती है, और नीचे की पावर हमारे पास ए प्लस बी है। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एम माइनस की हो जाएगी ए प्लस बी। ओके, आ गया समझ। इसको हम पुट करेंगे डेल्टा एन। ठीक है, अगर डेल्टा एन हम ज़ीरो पुट हो जाए, मतलब ज़ीरो आ जाए,
तो क्या हो जाएगा, जो KC है वो प्योर नंबर हो जाएगा और उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, याद रखना है ये, ठीक है। वैसे जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एक्टिविटी तो हम KA से शो करेंगे, ये हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था उससे हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो KA किसके इक्वल हो गया, AlL AmM बाय में AB। ये हमारे पास आ गया फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ एक्टिविटी। A से हमने शो किया, वहाँ हमने C लिखा था, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, ओके। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये भी याद रखना है। यूनिट देखो जितने भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे ना फ्रेंड्स, किसी की नहीं होती। एक कंसंट्रेशन के केस में यूनिट होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो होती है मोल पर लीटर। बाकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं एक्टिविटी के केस में, पार्शियल प्रेशर के केस में हम डिस्कस करेंगे, तो क्या होते हैं, जीरो, कोई भी यूनिट नहीं होती, जीरो नहीं बोल सकते हम, सॉरी, क्या होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब देखो पार्शियल प्रेशर को करेंगे हम, तो पार्शियल प्रेशर का क्या शो कर सकते हैं, KP से करेंगे पार्शियल प्रेशर P, तो PL L PM M बाय में PA A PB B, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये प्योर नंबर है। फिर हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन के केस में, क्या आता है, मोल फ्रैक्शन के केस में। मोल फ्रैक्शन हम x से शो करते हैं गाइस, तो हम क्या करेंगे, kx इज इक्वल टू xl l xm m बाय में xa a और xb b, ठीक है। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास क्या आई, चार हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट किया कंसंट्रेशन के केस में KC, फिर किया हमने एक्टिविटी की केस में, एक्टिविटी के केस में KA, फिर किया हमने पार्शियल प्रेशर के केस में KP, और फिर हमने डिस्कस किया, लास्ट मोल फ्रैक्शन के केस में, मोल फ्रैक्शन के केस में वो था KX, ठीक है गाइस। सबकी वैल्यूज याद करनी है आपको, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमने जी डिस्कस कर लिए क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स भी डिस्कस कर ली, अब ये एक दूसरे से कैसे रिलेट है तो इक्विलिब्रियम ही, केपीसी केसी केपी केए केएक्स सारे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन अलग अलग टर्म्स में है, कोई कंसंट्रेशन में कोई एक्टिविटी में, तो इनका कुछ रिलेशन भी तो होगा एक दूसरे के साथ, है ना। अब वही चीज़ है, घर में एक ही फैमिली में है ये सारे, एक घर में रहते हैं सारे, तो इनका क्या होगा, घर एक है, नाम इनका एक है, सरनेम भी इनका एक है, मतलब एक ही नाम से जाने जाते हैं, अपने सरनेम तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेकिन इनका क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन तो अलग है, आगे समझ। देखो एक ही फैमिली मेंबर है, एक ही घर के मेंबर हैं ये, केपी केसी केए और केएक्स, ठीक है। अब इनका सरनेम भी एक है, इनकी वैल्यू भी अलग अलग है एक दूसरे की, हर एक बंदे की वैल्यू अपनी होती है, ठीक है, वैल्यू भी अलग है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ये इसका क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है, ठीक है। उसी केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन। देखो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि जो केपी और केसी में क्या रिलेशन है, पार्शियल प्रेशर, सॉरी, और हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। जर्नल इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली,
अब के सी हमने इक्वेशन निकाली थी, क्या वैल्यू होती है, एल एल एम एम ए ए। फ्रेंड्स ये चीज़ें हमने कर चुके हैं हम, तो मैं इसको ज़्यादा ब्रीफ नहीं बताऊंगी, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया, ये हम निकाल चुके हैं के सी की वैल्यू, के सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने अज्यूम कर लिया कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसियस है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन किस में चेंज हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर में। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे हम, आइडल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। आइडल गैस यूज़ की हमने, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। जो ये एन बाई वी है वो क्या हो जाएगा, सी, किसके इक्वल हो जाए, सी के। पी वी पी इज इक्वल टू सी आर टी, ये आ गया। अब देखो पार्शियल प्रेशर के केस में हमारे पास पी एल एल पी बी सॉरी पी एम एम बाय में पी ए ए पी बी बी, ये है ना। अब इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी हमारे पास क्या आया, सी आर टी, तो पी ए क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। पी बी क्या हो जाएगा, सी बी आर टी, ठीक है, सेम एज इट इज। सी एल सी एल सॉरी पी एल सी एल आर टी, पी एम सी एम आर टी, आ गया। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन थी केपी वाली, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। देखो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, एल की जगह सी एल आर टी, सी एम आर टी की पावर एम, सी ए आर टी की पावर ए, सी बी आर टी की पावर बी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आर टी को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन सब में है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, सी एल की पावर एल, सी एम की पावर एम, सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, आर टी एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, ठीक है गाइस। ये हमने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास किसके इक्वल है, के सी के वैल्यू के इक्वल है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो इसको हम के सी पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल प्लस एम, जो एल प्लस एम है और क्या है, ए प्लस बी, हमने पुट किया था डेल्टा एन के। ये हम इसको किसको पुट करेंगे, डेल्टा एन के इक्वल पुट कर देंगे। तो रिलेशन, फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा देखो के पी, इसको हमने के सी पुट किया आर टी डेल्टा एन। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ओके गाइस। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, नेक्स्ट रिलेशन है, वो है रिलेशन बिटवीन के एक्स के पी एंड के सी, तीनों के बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम किसका यूज़ करेंगे, डेल्टन का, डेल्टन ला। डेल्टन ला हमें क्या कहता है कि जो कोई सिस्टम होता है, कोई भी एक सिस्टम है, उसका प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है ना उनके प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। देखो P इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है, तो पी एल इज इक्वल टू एक्स एल पी एल, पी एम इज इक्वल टू एक्स एम एम पी एम, ठीक है गाइस। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, सेम एज इट इज, ए और बी के केस में पुट कर देंगे हम। अब जो ये वैल्यूज आई है ना, क्या पी ए ए पी बी बी पी एल एल पी एम एम, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, के पी वाली, पी ए पी एल एल पी एम एम बाय में पी ए ए पी बी बी, ठीक है। जो ये रिलेशन है इसमें पुट करेंगे,
क्या आ गया देखो, इसमें देखो P की जगह हम दोनों पुट करेंगे ना, ये भी पुट करेंगे और ये भी पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स एल एल इंटू एक्स एम एम, एक्स बाई में एक्स ए ए, एक्स बी बी। पी जो आ गया ये कॉमन जो पी है, पी सब में कॉमन है, सेम है, पावर चेंज हो रही है तो पावर इनकी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड कर दिया तो इसको हम डेल्टा एन पुट कर देंगे, पावर्स को डेल्टा एन। ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, के एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या रिलेशन आ गया, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी डेल्टा एन, ठीक है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। अब देखो इसको और उसको कंपेयर करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास जो के पी था वो इक्वल था के सी आर टी की पावर डेल्टा एन से, और यहाँ है जो के पी इज इक्वल टू के एक्स पी डेल्टा एन। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। सेम एज इट इज, इसमें हमने क्या किया, इनको इक्वेट कर दिया दोनों को, ठीक है। जो ये आर टी है और आर टी की पावर डेल्टा एन सेम है तो इसको नीचे लेके जाएंगे, क्या आ गया के सी इज इक्वल टू के एक्स पी बाई में आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, P बाई आर टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 1/V। कैसे देखो, पी वी इक्वल टू आर टी इनके फॉर वन मोल के केस में आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो पी बाई आर टी इज इक्वल टू 1/V आ गया। तो इसमें पुट कर दी हमने 1/V, और इसको इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, के एक्स इज इक्वल टू के सी वी डेल्टा एन, आ गया समझ, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम होगी। V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है सिस्टम की। अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए तो जो के पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स और के सी, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इनकी तीनों के बीच में रिलेशन है, आ गया समझ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन के ए एंड के सी, मतलब एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम रिलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखो क्या है, जो एक्टिविटी मोलर कंसंट्रेशन के कैसे रिलेट करती है, वो है ए इज इक्वल टू अल्फा सी, ये याद रखना है। अल्फा सी, अल्फा यहाँ क्या है, एक्टिविटी कोफिशियंट है, ठीक है। जो हमारे पास के ए होता है वो आया था के एल एल के बी सॉरी के एम एम बाय में के ए ए के बी बी, ये था। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास, ए इसके इक्वल है अल्फा सी के, तो अल्फा सी की टर्म्स में अगर हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा अल्फा एल एल अल्फा एम एम बाय में अल्फा ए ए अल्फ सी एल एल सी एम एम सी ए सी बी बी, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, के अल्फा के, और ये क्या हो जाएगा, के सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है गाइस, आ गया समझ। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, जो अगर हम डेल्यूट कंसंट्रेशन लेते हैं, डेल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, डेल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाती है। कंसंट्रेशन अगर ज़ीरो होगी तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये टर्म वन हो जाएगी, तो के ए किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन था दोनों के बीच में, ठीक है। ये हमने क्या किया, रिलेशंस किए डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। सो फ्रेंड्स टिल देन स्टे होम, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।